तो काफ़ी दिनों बाद इस तरीके से सैटरडे को हम लोगों को टाइम मिला वीडियो बनाने का। एंड आज का टॉपिक हम लोग रखते हैं कि हाउ टू मेक वॉच लिस्ट। जैसे कि आप लोग डेली देखते होंगे कि हम स्टॉक शेयर करते हैं ग्रुप में, इवन जो लोग टेलीग्राम में, वहाँ पे भी आप लोग देखते होंगे कि टेलीग्राम में स्टॉक शेयर किया जाता है। हर दिन 3 4 स्टॉक्स, 5 स्टॉक हर दिन शेयर किया जाता है। अब उसमें से जो ट्रेड एक्टिव होता है वो टारगेट भी अचीव कर लेता है। तो वो स्टॉक्स हम सर्च कहाँ से करते हैं, है ना, कि कल ही वो शेयर भागेगा ऊपर, क्यों ऊपर जा रहा है, रीज़न क्या था उसके पीछे ऊपर जाने का, और हमको कैसे पता लगा कि वो कल ही ट्रेड एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग नॉर्मली प्राइस एक्शन तो जान चुके हैं, सबको समझ में आता है, लेकिन वॉच लिस्ट बनाने वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग को परेशान करता है। तो वॉच लिस्ट बनाते कैसे, काफ़ी लोगों के दिमाग में आता होगा, सर आप स्कैनर यूज़ करते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम में काफ़ी सारा मैसेजेस आ रहा था इस चीज़ को लेके कि सर आप वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, कोई स्कैनर है, या फिर आप क्या चीज़ देखते हैं मार्केट में कि एक दिन पहले बता देते कि कल के दिन ये शेयर में ऐसा कुछ होने वाला। तो आज जो टॉपिक है वो रहेगा वॉच लिस्ट के ऊपर कि वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग में, जो कि अपना लाइफ इन ट्रेडिंग का चैनल स्टॉप हो रहा है, इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स घट रहा है धीरे धीरे, यूट्यूब ग्रो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बट फिर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। कभी कुछ हुआ तो अच्छा बात है, सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। अब जो वॉच लिस्ट बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग वन बाय वन शेयर्स को स्कैन करेंगे, देखेंगे कि हर एक शेयर में क्या होता है। सबसे पहले हम निफ्टी पे फोकस करते हैं वॉच लिस्ट बनाने से पहले, कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। निफ्टी का स्ट्रक्चर मेरे को अभी फ़िलहाल बुलिश लग रहा है। यहाँ से अगर ट्रेड लाइन के ऊपर निफ्टी जाता है तो बुलिश हो जाएगा, और अगर ट्रेड लाइन के नीचे आता है तो बेरिस हो जाएगा। ओवरऑल मार्केट अभी कहीं भी जा सकता है, कोई ठीक नहीं है। मार्केट बेरिस भी हो सकता है, बुलिस भी हो सकता है, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो लगभग हम मार्केट को अभी न्यूट्रल फेज में पकड़ के चलते हैं कि मार्केट अभी न्यूट्रल है, क्योंकि ये लोग इसका सपोर्ट का काम करेगा। मतलब हम लोग अप साइड एंड डाउन साइड कहीं भी ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई में यहाँ पे हम 105 शेयर रखे, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसआरएफ से, एंड एसआरएफ को देखते हैं। एसआरएफ का चार्ट देख के यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे को नज़र आ रहा है कि एसआरएफ अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, यहाँ से ट्रेड लाइन। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये शैडो को लेकर परेशान हो जाते होंगे, सर ये तो ट्रेड लाइन ऐसे क्यों हुआ, यहाँ से हम लोग ट्रेड लाइन इसको क्यों लिए, इसको क्यों स्किप कर दिए। तो हम लोग मल्टीपल टचेस देखते हैं, लाइन चार्ट करेंगे तो ये जो शैडो है ये शैडो हट जाएगा, तो है ना, शैडो हट गया। शैडो को हम लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करते हैं। प्रीवियस इस हाई के ऊपर अगर गया, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, हम लोग बाई कर लेंगे। जो लो है वहाँ पे अपना बन गया स्टॉप लॉस पॉइंट, एंड इसके बाद जो टारगेट रहेगा वो कुछ इस हाई तक हम लोग टारगेट को रख लेते हैं। जहाँ से फॉल आया था उतना का हम लोग टारगेट रख लिए। रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, और अपना फर्स्ट टारगेट हम लोग इस रेसिस्टेंस के पास करते हैं जहाँ पे हम लोग को मल्टीपल टचेस मिल रहा है, 1 टच 2 टच 3 4। तो मल्टीपल टचेस के पास हम लोग क्या कर लिए, अपना फर्स्ट टारगेट रख लिया। मतलब पहला स्टॉक हम लोगों को मिल गया। अगर कल एसआरएफ, कल नहीं मंडे को 2266 के ऊपर, यानी कि 2266 के ऊपर जाता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बाई करेंगे। सेकेंड नंबर स्टॉक देखते हैं हम लोग का क्या होता है यहाँ पे, परसिस्टेंस। फिलहाल परसिस्टेंस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जब तक परसिस्टेंस इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, ये परसिस्टेंस का क्या है, रेसिस्टेंस। जब तक परसिस्टेंस इस रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता, तब तक हम लोग यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए। मार्केट में भी हो सकता है ऐसे गिर भी सकता है। तो ये ट्रेड लाइन का जब ब्रेकआउट आएगा तभी हम लोग को यहाँ रैली देखने को मिलेगा, वरना मार्केट इसी जगह पे साइडवेज रहेगा, इसी जगह पे ट्रेड करेगा। अब परसिस्टेंस जब भी इसको ब्रेक करे तब हम लोग का क्या बन जाएगा, एंट्री बन जाएगा। फिलहाल हम लोग परसिस्टेंस को देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि परसिस्टेंस कल ट्रेड एक्टिव हो ही जाएगा, लेकिन अगर परसिस्टेंस ट्रेड लाइन को तोड़ता है, जिस भी दिन तोड़ेगा उस दिन परसिस्टेंस ऊपर की तरफ काफ़ी तेजी से भागेगा। यहाँ से यहाँ जितना रैली आया है ब्रेकआउट के बाद उतना ही बड़ा रैली आएगा, तो ये रैली काफ़ी बड़ा है, जिसके हिसाब से ये रेंज अभी मे भी और 1 सप्ताह तक चल सकता है।
एशियन पेंट्स को देखते हैं, एशियन पेंट्स में देख के इतना समझ में आ रहा कि कल यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, मार्केट अभी भी साइडवेज रेंज में है कुछ इस तरीका से। एशियन पेंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये एशियन पेंट्स का रेंज है जिस रेंज में एशियन पेंट अभी ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल कल इसमें कुछ होने वाला है नहीं, तो इसमें दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग को दिमाग किस में लगाना, वॉच लिस्ट बना रहे दिमाग किस में लगाना, सारे शेयर्स में तो दिमाग नहीं लगा सकते ना, उसी में लगाएंगे जिसमें कल के दिन चांसेस ज़्यादा होगा। कल यानी कि मंडे, आज तो सैटरडे है, मंडे को जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होगा। वोल्टास इसको देखते हैं इसमें कुछ है, फिलहाल इसमें ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव है, ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन आया था, रिटेस्ट कंप्लीट हो गया, ट्रेड एक्टिव है। तो इसमें अभी हम लोग कल के मतलब मंडे के दिन हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लगा सकते। इवन हम लोग और बिंदो फार्मा को देखते हैं, यहाँ भी कुछ वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। पिरामल इंटरप्राइज ये फिलहाल थोड़ा सा ये भी कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है, ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट है और ये इसको ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल एक डाउन का डाउनफॉल का उम्मीद यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग पिरामल इंटरप्राइज को देख सकते हैं कि अगर ये पिरामल इंटरप्राइज प्रीवियस लो को तोड़ता है तो यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा, और जो भी हम लोग ट्रेड लेंगे वो स्टॉप लॉस के थ्रू लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। लेकिन ये ट्रेड जो है हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बस काम चल जाएगा। अगर मेरे को इससे कुछ बेहतर मिलेगा तो हम उसमें दिमाग लगाएंगे, हम उल्टा पिरामल इंटरप्राइज में उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। कुछ और देखते हैं शेयर, इन्फोसिस में फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब इन्फोसिस मेरे को नहीं पता यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे का कंफर्म नहीं है, तो हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। इवन इन्फोसिस में डिविडेंड मिलने वाला 18 रुपये का, जिसके भी पास डिविडेंड मतलब इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग में उसको डिविडेंड मिल जाएगा। टाटा एक्साइल ये ऑलरेडी एक्टिव है, ऊपर जा चुका है। बर्जर पेंट्स में भी ऐसा कुछ नहीं है, बायोकॉन ऑलरेडी गिर चुका है, इसमें कल के लिए कुछ वैसा नहीं है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में भी कुछ वैसा नहीं है, कजारिया में भी नहीं है, गोदरेज में भी नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ खास नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर रिलायंस इसको ब्रेक करता है, प्रीवियस हाई को अगर रिलायंस तोड़ता है तो फिर यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंट हम लोग देख सकते हैं। एंड रिलायंस का फर्स्ट टारगेट हम लोग इस हाई के पास में रखते हैं अराउंड इधर पे, तो अगर रिलायंस 2355 के ऊपर जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2328 के, ये जो लो है ये अपना स्टॉप लॉस बनेगा, इनकेस मार्केट नीचे गिरा तो छोटा सा लॉस लेके निकल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हम लोग रख रहे हैं 2394 का एंड सेकंड टारगेट रखे 2444। और एक चीज़ अगर रिलायंस बुलिश होता है तो ये निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा। वन बाई वन स्टॉक को सर्च करने से ये हम लोग का अच्छा है कि हम लोग सब स्टॉक्स को देख लेते हैं, स्टॉक्स का नेचर क्या है, स्टॉक्स बुलिश है या बेरिश है, मार्केट किधर जाने वाला है, मार्केट का ओवरऑल व्यू हम लोग को पता चल जाता है, इससे बहुत मदद मिलता है वन बाई वन देखने से। और देखते हैं हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, हेवल्स में भी कुछ वैसा नहीं दिख रहा। अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे हेवल्स को, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेसिस्टेंस है, तो क्या देख के समझ में आ रहा है कि हेवल्स इसी के बीच में ट्रेड करने वाला भी कुछ दिन। है ना, तो मंडे के दिन तो यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, तो इसको देख के कोई फायदा नहीं है अभी फिलहाल। जिस दिन इसके ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट आएगा, उस दिन हम लोग हेवल्स पे नजर देंगे, तब तक के लिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। आईजीएल का ट्रेड एक्टिव हो गया, इवन टारगेट भी अचीव हो गया। ICICIGI इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रेड स्ट्रांग नहीं है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। और कोई स्टॉक देखते हैं, ग्रिंडवेल न्यूट्रल नट, ये भी फिलहाल तो इसमें अभी कुछ है नहीं जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे, ये सब ट्रेड एक्टिव है ऑलरेडी, ये सब में चल रहा है, ट्रेड कंटिन्यू है। डाबर ये भी नहीं, एलकम लैब्स भी नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी नहीं, बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी नहीं, गरीबी छा गया है। फैन मेरा ना
बहुत डिस्टर्ब करता है। कहने को है ये साइलेंट फैन, लेकिन कोई काम कर नहीं है। इतना आवाज करता है ना, मैं भी हमको लगता है इसका सफाई जब से हुआ है ना तब से ये खराब हो गया। आवाज बहुत करता है। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर से बताइएगा। थोड़ा हम चाहते हैं कि आप लोग का रिव्यू मिले ताकि मेरे को उससे लगे कि हाँ मेरा वीडियोस कोई देखता है, और भी देखते हैं और कोई स्टॉक मिल जाए हम लोगों को तो मज़ा आए। नेस्ले इंडिया, वाओ कितना अच्छा तरीका से ये ट्रेड एक्टिव हुआ एंड चला गया ऊपर। ये सब ट्रेड मज़ा आता है ट्रेड लेने में। होप नेस्ले इंडिया का आप लोग को अपडेट गया होगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में नेस्ले इंडिया का ट्रेड दिया गया था, इवन प्रीमियम ग्रुप में भी दिया गया था। वेदांता में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। वेदांता अगर इस लेवल को ब्रेक करता है रेसिस्टेंस को तो अपसाइड मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जो मोमेंटम रहेगा फास्ट रहेगा। मतलब ब्रेकआउट अगर आता है ना तो यहाँ पे बड़ा सा मूवमेंट देखने को हम लोगों को मिल सकता है। और वेदांता का टारगेट सिर्फ यही नहीं रहेगा, और ऊपर तक वेदांता जाएगा ऊपर। तो फिलहाल के लिए अगर वेदांता में ब्रेकआउट आता है तो हम लोग एक लॉन्ग पोजिशन बिल्ड कर सकते हैं। इसका लॉन्ग टारगेट 290 तक का हम लोग रख सकते हैं। ये हाई तक, प्रीवियस हाई तक का वेदांता में हम लोग एक रैली उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वेदांता को देखते हैं वेदांता क्या करता है, लेकिन नज़र रखना है वेदांता अगर 229.90 रुपीज़ के अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको बाई करेंगे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 222 रुपीज़ का। 240 का फर्स्ट टारगेट, 255 का सेकेंड टारगेट है। ये बहुत अच्छा ट्रेड है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, मतलब हम लोग जो भी करते हैं ना उसका एक दिन पहले प्लानिंग कर लेते हैं, याद रहे कि अगर मार्केट ऐसा बिहेव किया तो हम ऐसा डिसीजन लेंगे। लाइव मार्केट में ये चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ मिल जाए, वैसे हम हर दिन 300 350 स्टॉक सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 190, फिर उसके बाद 39, फिर 143, ओवरऑल 300 के ऊपर ये स्टॉक्स है मेरा। हम हर दिन 300 350 स्टॉक सर्च करते हैं, जिसमें से आप लोगों के लिए 3-4 स्टॉक डेली निकालते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो अभी कमेंट कर दीजिए, अभी संग संग कर दीजिए, वरना आप लोग करते नहीं हैं और पहले जैसा आप लोगों का कमेंट भी नहीं आता है। मारुति ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा। श्री सीमेंट एक अच्छा ट्रेड बना था, अच्छा पैसा बना के दिया ये लोग सबको। ग्लैंड फर्मा, बालकृष्णा, भारत पेट्रोलियम, हनीवेल ऑटो, ये भी नहीं, अबूट इंडिया नहीं। हम लोग जो भी ट्रेड फाइंड करेंगे सब हाई प्रोबेबिलिटी देखेंगे। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई हो लो प्रोबेबिलिटी को स्किप कर देंगे, क्योंकि अपने पास बहुत सारा ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि 2-4 शेयर्स है उसी में हम लोग को कंटिन्यू ट्रेड लगाना, अपने पास बहुत सारा शेयर्स है, जो बेस्ट रहेगा हम लोग उसमें पैसा लगाएंगे। और देखते हैं काफ़ी इरिटेटिंग है आवाज इसका। टाटा स्टील फिलहाल तो एक्टिव नहीं हुआ। टाटा मोटर्स नो डाउट एवरग्रीन बनने वाला है ये। टाटा मोटर्स अराउंड बता देते, टाटा मोटर्स अगर ऊपर जाएगा तो कितना तक ऊपर जाएगा। टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है, लाइन चार्ट में करेंगे। ट्रेंड बेस्ड वेव एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं हम लोग ऑल टाइम हाई का पता लगाने के लिए। लो से हाई पे कर्सल को रख के डायरेक्ट ऐसे प्लॉट किए। अराउंड 924 रुपीज़ तक का टाटा स्टील का टारगेट है। तो ये 924 तक जाएगा, मतलब 900 से ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि 900 पे जाकर रुक जाएगा, 900 के ऊपर और भी जाएगा। मेरे को ना इसका लेबल ठीक करना है, एक लेबल मेरे को हटाना है। यहाँ पे कौन सा 1.272 चलो ठीक है, तो यहाँ तक ये जाएगा।
फिर आगे 15 मिनट में, और इसके बाद और आगे स्टॉक्स देखते हैं क्या होता है। टाटा मोटर्स में एंट्री निकल गया, वरना यहाँ पे टाटा मोटर्स में एंट्री था एक। अच्छा, इस ब्रेकआउट पे फिलहाल और देखते हैं कुछ। पहले हम जब वॉच लिस्ट बनाते थे तो उस टाइम मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। चलिए ये कंप्लीट हो गया, हम लोग 105 शेयर सर्च कर लिया। अब HDFC में जाते हैं। HDFC ये नहीं कि HDFC से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, बस ऐसे हम नाम रख दिए थे। तो पहले हम जब वॉच लिस्ट बनाते थे तो उस टाइम मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, 3-4 घंटे मेरे को लग जाता था इतना सारा स्टॉक सर्च करने में। लेकिन अब क्या हो गया, बनाते बनाते ईजी हो गया है, मेरे को चार्ट देख के समझ में आ जाता है, तो हम फटाक से पकड़ लेते हैं कि कल इसमें कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब क्या है कि मेरे को अगर हम वॉच लिस्ट अगर हम कंटिन्यू बनाते हैं तो अराउंड हम 1 घंटा से 1.5 घंटे के बीच में हम वॉच लिस्ट कम्प्लीट कर लेते हैं। मेरे को उतना ज़्यादा टाइम अब लगता नहीं वॉच लिस्ट बनाने में। तो आप लोग भी जब नए नए वॉच लिस्ट बनाएंगे तो आप लोगों को भी टाइम लगेगा, नो डाउट, बट बनाते बनाते धीरे धीरे वो इजी हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वॉच लिस्ट बनाना इतना भी इजी नहीं है जितना देखने में लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है मार्केट के पीछे। आप लोगों को लगता होगा कुछ भी सर बोल दिए हो गया, मार्केट भागने लगा ऊपर, टारगेट अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं कि टारगेट अचीव ही कर लिया, स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो अपने पास स्टॉप लॉस है, इनकेस अगर टारगेट नहीं अचीव हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉस हो जाएगा। लेकिन वो क्या है कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस और 25 रुपये का टारगेट, ये हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट जो है ये हम लोग को कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में बचा लेता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर ऑप्शंस में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, तो ऑप्शंस मत कीजिए। ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट। ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है। एस्ट्रल में अगर ये ब्रेकआउट दे तो फिर यहाँ पे कुछ बन सकता है। और देखते हैं, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो ना तो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे अब हम पूरा एक्टिव रहने का। काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत वगैरह ख़राब था, हम एक्टिव नहीं थे। इवन हम बहुत दिन से आप लोग देख भी रहेंगे हम ट्रेडिंग स्किप कर रहे हैं, हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बट अब धीरे धीरे हम फिर से रिकवर कर रहे हैं अपने आप को। तो जितना जल्दी मैं तबीयत ठीक हो जाएगा उतना जल्दी हम वापस से पहले जैसा जैसे एक्टिव हुआ करते थे वैसे ही एक्टिव हो जाएंगे। बायस क्रॉप सेंस में एक डाउनसाइड का ट्रेड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ये ट्रेड हो सकता है और टाइम स्पेंड करे, यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, रिवर्स हो गया तो फिर गया। तो देख लेना अभी क्या करना है, अगर ब्रेक डाउन आता है प्रॉपर यहाँ पर तो फिर हम लोग एंट्री ले लेंगे, और अभी एंट्री लेते हैं तो ये स्टॉप लॉस लगा के भूल जाना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है लॉस लेके निकल जाएंगे, क्योंकि मे भी मार्केट थोड़ा एक पुल बैक दिखाने के बाद वापस नीचे की तरफ गिरे। ओवरऑल इसको गिरना नीचे ही है, क्लियर है। मेरा गला बैठ गया पूरा, हम बोल नहीं पा रहे सही से, बॉडी पूरा वीक हो गया, जैसे उतना वीकनेस सा हो गया, रात को नींद नहीं आता, रात भर जगे रहते हैं, सुबह में भी वही हाल हो जाता है। इमामी इंटरप्राइज में डाउन सेट का ट्रेड बन रहा है, लेकिन फिलहाल मेरे को ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये इसका यहाँ तक सपोर्ट जोन है ना, ये इसका सपोर्ट है। और देखिए मार्केट एक बार नीचे गिरा भी था लेकिन सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, वैसे यहाँ पे गिर के वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता, तो इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, ट्रैप में फंसने से अच्छा है कि इसको स्किप कर देते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड लगे ना, जहाँ पे लगे कि नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डायरेक्शन क्लियर नहीं, उसको अवॉइड कर दीजिए, उसके पीछे मत जाइए। अपने पास बहुत सारा ऑप्शन है, उसी के पीछे क्यों जाएंगे। अशोक लेलैंड में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, देखिए है ना, ये इसका रेसिस्टेंस है, और अगर प्रीवियस हाई को तोड़ता है तो एक बुलिश रैली मिल जाएगा।
ये ट्रेड काफी अच्छा है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, एंट्री स्टॉप लॉस। एंट्री बनेगा 175 रुपीज़, मतलब 176 रुपीज़ 55 पैसे के ऊपर। अगर उसके ऊपर जाता है तो हम उसको बाई कर लेंगे। बाई करने के बाद सबसे पहला फोकस स्टॉप लॉस पे। इनकेस मार्केट नीचे गिरा तो 173.25 पैसा के नीचे जाएगा तो लॉस लेके निकल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट 181.75, यहाँ पे 60-70% प्रॉफिट बुक करेंगे। बाकी का जो पेंडिंग रहेगा क्वान्टिटी 190 रुपीज़ 65 पैसा पे बुक कर लेंगे। और देखते हैं कुछ BPCL, एक अच्छा ट्रेड बना, काफ़ी अच्छा पैसा बना दिया ये। लिंडे इंडिया, ये आपके ग्रुप में मिला होगा, प्रीमियम ग्रुप में भी मिला था, अच्छा पैसा बना के दिया है लिंडे इंडिया, काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। टाटा कॉफ़ी रिसेंटली आप लोग को शेयर किया गया था, आप लोग को मतलब वीडियो नहीं बनाए थे हम, ग्रुप में शेयर किए थे, प्रीमियम ग्रुप में, मेरा जो पेड ग्रुप है उस ग्रुप में टाटा कॉफ़ी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। टाटा कॉफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया। ये भी हो गया ख़त्म, अब हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं। इसमें ये छोटा है, इसमें ज़्यादा शेयर्स नहीं है, इसको जल्दी ख़त्म कर लेंगे। काफ़ी सारा ट्रेड मिस भी हो जाता है लाइव मार्केट में, तो हम लोग सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाते, तो उसके बीच में बहुत सारे स्टॉक्स है जो लाइव मार्केट में भाग जाता है, पता भी नहीं चलता उसके बारे में। बट हम लोग चाह के भी सबको पकड़ नहीं सकते, बस ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद वॉच लिस्ट में आते हैं, गिफ्ट निफ्टी, इसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का नीचे में सपोर्ट है, ठीक है। अगर गिफ्ट निफ्टी गिरता भी है तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ओवरऑल जो इसका डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीका से रहेगा, ठीक है, तो साइडवेज ही समझ के चलिए। ये भी कुछ इतना खास मोमेंटम देने वाला है नहीं, ये भी अच्छा पैसा बना के दिया लोगों को। अदानी पावर, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। जब तक हम ढूंढते तब तक आप लोग मेरा फैन का आवाज़ सुनिए आराम से, टन 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 टन, इरिटेट कर देता है मेरे को भी। और वीडियो काफ़ी बड़ा बनने वाला है ना, क्योंकि जब तक ये सारा ख़त्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी आप लोग को दिया गया था, होप आप लोग इसको भी ट्रैक किए होंगे। फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया। जिंदल स्टील देखिए, ये ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ, प्रीवियस हाई के ऊपर जाता तो इसको बाई करना था, प्रीवियस हाई के ऊपर गया नहीं। और काफ़ी लोग इसको क्या करते हैं ना, पहले ही बाई कर लेते हैं। सर स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हुआ, आप एंट्री जब तक नहीं लेते तब तक आपको स्टॉप लॉस से क्या लेना देना, अपना एंट्री इसके ऊपर बनेगा। जब तक ये 700 मतलब 699 रुपीज़ 70 पैसे के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक अपने को खरीदना ही नहीं है इसको। और लोग क्या करते हैं, संग संग खरीद लेते हैं, मार्केट गिर गया। इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, इसमें गलती उन्हीं का है जो इस पर बिलीव किए। विदाउट स्टडी अगर स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगा रहा है टिप्स के भरोसे, तो उसको भगवान ही बचा सकते हैं। नसीब साथ दिया तो बच जाएंगे वो, लेकिन नसीब भी एक बार दो बार साथ देता, बार बार नहीं। और कुछ देखते हैं,
नेशनल एलुमिनियम, ये भी अच्छा पैसा बना के दिया सबको। एन एच फर्स्ट टारगेट अचीव करके रिवर्स हो गई, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिलहाल और कुछ मिल जाए एक दो स्टॉक, फिर भी अपने को तीन चार स्टॉक मिला है, नो मतलब उतना कंफ्यूज होने वाला नहीं है। अब अगर ना भी मिले तो दिक्कत नहीं है, जो ही नहीं कि हर दिन अच्छा अच्छा ट्रेड मिलेगा ही, किसी दिन नहीं भी मिलता है। हम लोग एकदम बेस्ट पे फोकस करेंगे, जो एकदम बेस्ट है उस पे फोकस करेंगे। फिलहाल इसमें ना हम अप साइड का प्लानिंग कर रहे थे, अब मार्केट ना डाउन साइड का प्लानिंग में आ गया, मतलब यहाँ से हम एक डाउनफॉल का उम्मीद करने वाले हैं। ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन आ रहा है ना, प्रीवियस लो के अगर नीचे आया तो हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे डाउन साइड के लिए। ये इसका स्टॉप लॉस बन गया। और टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन चार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ जितना फॉल आया है ये 280 पॉइंट्स, उतना ही अपना टारगेट बन जाएगा। 280 पॉइंट्स का अपना क्या बन गया, टारगेट, यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा। कैंडल से बदल दिए, कुछ इस तरीका से अपना ट्रेड चलेगा। ये ट्रेड काफ़ी अच्छा होने वाला है, अगर इसमें ब्रेकडाउन आता है तो इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको भी ऐड कर लेते हैं आगे और देखते हैं। एक्टिव नहीं हुआ, इरेज करो इसको। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक इसको खरीदना नहीं था, नीचे आ गया तब कुछ इसका बात ही नहीं बनता। अब ये रेंज में आ गया और कुछ देखते हैं। यूनो मिंडा एक्टिव है ट्रेड, देखिए क्या करता है अभी। लिटनी इंडिया दो बार दिख के हटाते हैं इसको यहाँ से। मदर सुमी भी कुछ नहीं होने वाला है इसमें, अब हटा दो। और चार्ट को हमेशा क्लियर रखिएगा, एकदम साफ, इसको ये नहीं कि हर टाइम ड्रॉ करके छोड़ दे। जो ट्रेड क्लोज हो गया उसको इरेज कर देना, ऐसे ये सब कंप्लीट नहीं हुआ इसके वजह से रखा हुआ। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, तब जाके कुछ नया प्लानिंग कर सकेंगे हम लोग। हटसन ये भी एक्टिव नहीं, इसके ऊपर जाता तो एक्टिव होता। फिलहाल अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हुआ था जब फर्स्ट टारगेट अचीव करके घूम गया, हटा दो अब इसका काम खत्म। ये ट्रेड भी कुछ खास हुआ नहीं अभी तक, ये ट्रेड भी एक्टिव नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। चार्ट को हमेशा क्लीन रखना है। और देखते हैं कुछ, और देखते हैं नींद आ रहा है, अब रात को सोए नहीं है, अब हमको नींद आ रहा है दिन को। रिलायंस पे फोकस रखना है, रिलायंस जब ये 2355 के ऊपर जाए ना तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइज में भी थोड़ा नज़र रख सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड मेरे को उतना खास नहीं नज़र आ रहा, फिर भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इसलिए उसको भी नज़र में रखेंगे।
बोर हो जाता हूँ वो चीज़ बनाते बनाते। तो टोटल ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें हम लोग मंडे को नज़र रखेंगे, लेकिन जो खास है ठीक है उस पे ज़्यादा नज़र रखेंगे। SRF अगर 22 66 के ऊपर जाएगा तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे, बाई करेंगे, वरना इसको तब तक के लिए रहने देंगे। परसिस्टेंस में कुछ खास अभी होने वाला है नहीं, फिलहाल ये 1-2 दिन और टाइम स्पेंड करेगा। पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पे कुछ देखने को मिल सकता है फिलहाल, इसको वॉचलिस्ट में रखते हैं। अगर ये ट्रेड कुछ नहीं मिलता है तो फिर इस पर हम लोग ध्यान दे देंगे, छोटा क्वांटिटी से इसमें ट्रेड लगा सकते हैं, इसको टॉप में रखते हैं। फिर इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को नज़र पे रखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा ट्रेड है, अगर ब्रेकआउट आया तो ये ऊपर भागेगा। वेदांता अच्छा ट्रेड है, अगर इसमें ब्रेकआउट आया तो इसको भी ऊपर में रखिए, इसको भी नज़र रखना है, ब्रेकआउट आएगा तो इसको लेना है। ये उतना अच्छा स्ट्रांग ट्रेड नहीं है, ये भी एस्ट्रेल भी उतना अच्छा स्ट्रांग ट्रेड नहीं है। बायर्स को ऑप्शन ये भी हमको उतना खास नहीं नज़र आ रहा, टाइम लगेगा इसमें, ये भी नहीं। हाँ, अशोक लेलैंड एक अच्छा ट्रेड है, अगर अशोक लेलैंड में ब्रेकआउट आता है तो इसको हम लोग लेंगे। और स्कैफलर्स ये भी अच्छा ट्रेड है, अगर इसमें भी ब्रेकडाउन आएगा तो हम लोग इसमें डाउन साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक हम लोग के पास हो गया स्कैफलर, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इसका नाम। स्कैफलर में एंट्री तब लेंगे जब ये 3106 रुपीज़ के नीचे जाएगा, जब इसके नीचे जाएगा तो हम लोग इसको सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे 3173 रुपीज़ का। स्टॉप लॉस के बाद एंट्री बनेगा, मतलब टारगेट रहेगा 3013 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 2884 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये ट्रेड अच्छा है, इनके से स्टॉप लॉस सेट हुआ तो एग्जिट ले लेंगे, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ तो 60-70% बुक करके रिलैक्स हो जाएंगे, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करते रहेंगे। आप लोग को अगर स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोग मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन वाला वीडियो देखिएगा, उसमें हम बताएं स्टॉप लॉस मॉडिफाइड कैसे करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाई करेंगे जब ये 2355 रुपीज़ के ऊपर जाएगा, प्रीवियस हाई के ऊपर जाए तो बाई कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2328 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2394 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2444। आप लोग इसको ट्रैक कीजिएगा, लेकिन जब भी एक्टिव हो उसको ट्रैक करके देखिएगा काम होता है कि नहीं होता है, ट्रैक करेंगे तो हिम्मत आएगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, सब जगह आप लोग मेरे को शायद याद करेंगे। वेदांता VEDL जब ये 229.90 रुपीज़ के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे 222.70 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 240 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 255 रुपीज़। फोर्थ जो कि लास्ट हम लोग इस पे फोकस करेंगे अशोक लेलैंड पे, अगर अशोक लेलैंड में ब्रेकआउट आता है तो हम लोग बाई करेंगे 176.55 रुपीज़ के ऊपर में, इसके ऊपर जाएगा तो ही बाई करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस लगा देंगे 173.25 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 181.75 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 190.65 रुपीज़। तो ये कुछ चार टोटल हम लोग के पास स्टॉक है, जिस चार स्टॉक्स में हम लोग फोकस करेंगे मंडे वाले दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वरना मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन जाता जा रहा है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर पार्ट, लाइफ में कुछ मेरा सही चल नहीं रहा है, तबीयत मेरा ख़राब है, कभी भी मर सकते हैं ऐसा वाला फीलिंग आता है, मेंटल हेल्थ बिगड़ता जा रहा है, ट्रेडिंग अवॉइड कर दिया है, कुछ ना कुछ इश्यूज लाइफ में आ रहा है। ऐसा सिचुएशन में अगर आप लोगों का सपोर्ट मेरे को नहीं मिला ना तो मेरे को लगता है हम टूट जाएंगे। आज तक कभी हम आप लोग से कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन आज ना सपोर्ट का मेरे को ज़रूरत है, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाए। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाय।